हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लेके आए एक छोटी सी आसान रेसिपी जिसका नाम है सेव पूरी। सेव पूरी के लिए देखिए, मैंने फ्रेंड आलू को पहले से नमक डाल के बॉईल कर लिया था। मैंने उसको मैश कर लिया, उसमें मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए बारीक कटी हुई और बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दी। अब मैं फिर एक बार इसको अच्छे से मिला लूँगी। देखिए, मैंने रेडीमेड सेव पूरी लिया फ्रेंड्स, क्योंकि रमजान का टाइम है तो थोड़ा वक्त की कमी जाती है। हम चाहे तो उसको घर पर ही बना सकते हैं। मैंने एक प्लेट में सारी सेव पूरी को लगा लिया। मैंने जो आलू का वो बनाया था मैं उसके ऊपर रख दूँगी। अब मैं इसमें हरी चटनी लगाऊंगी ऊपर। सब में मैं इस तरीके से हरी चटनी लगा दूंगी। और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे लाल चटनी। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बाहर खाने से अच्छा हम लोग अपने घरों में खा सकते हैं। रमजान का टाइम है, किसी का भी कोई भी फेस्टिवल हो तो इंसान घर में ही बना के खा सकता है। बहुत ईजी और बहुत आसान है। इसमें कोई चीज़ ऐसा बड़ा नहीं है कि अपन बाहर से ही खा सकते हैं। देखिए, अब हम इसके ऊपर डालेंगे शेव। सब पे मैंने बारीक शेव जो आता है ना वो डाल दिया। इससे ये मेन रहता है फ्रेंड्स, चटनी और शेव से बना हुआ। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर इसको बनाने घर में ट्राई कर, सबके साथ बन सकता है फ्रेंड, ऐसा कोई नहीं। अब मैं इस पर डालूंगी बारीक हरा धनिया कटा हुआ। देखिए, बन के तैयार हो चुका है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर से ज़रूर याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।